वेलकम टू शाही कुकिंग। आज मैं ग्राउंड बीफ यानी कि कीमे के शामी कबाब बनाने वाली हूँ, और वो भी तीन तरह के शामी कबाब बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ शामी कबाब बनाने का। लिया है मैंने एक लैब, इसमें मैं ये चना दाल इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने 1 कप ली है। इसको पानी में कुछ 1 या 2 घंटे आपको भिगानी है। क्यूमिन सीड्स, जीरा लिया है मैंने, क्यूमिन सीड्स 2 टेबलस्पून। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्ची ली है मैंने होल। इस मसाले में से मैं कुछ लाल मिर्च इस्तेमाल करूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च। जितना आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्ची इस्तेमाल करें। और ये कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, इसको मैं 2 टीस्पून इस्तेमाल करूंगी। ये साइज का टीस्पून लेना है मुझे। और 1/2 टीस्पून मैं हल्दी का इस्तेमाल करूंगी। सॉल्ट टू टेस्ट लेना है। 2 टीस्पून भर के मैं गरम मसाला पाउडर लेने वाली हूँ। 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेना है। सब इंग्रेडिएंट्स को मैं प्रेशर कुकर में डालकर गला लेने वाली हूँ। इस चना दाल को मैंने 2 घंटे भिगाया हुआ है। इस कुकर में मैं कीमा ऐड कर देती हूँ। ये चना दाल है, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। सभी मसालों को एक एक करके ऐड करना है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा, लाल मिर्च, लेमन जूस, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के, हल्दी पाउडर, और ये कुछ होममेड गरम मसाला है मेरा खुद का बनाया हुआ 2 टीस्पून भर के। सॉल्ट ऐड करूंगी मैं, सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करूंगी। मिक्स कर लेना है सबको अच्छे से। एक कटी हुई प्याज लेनी है। इसमें आपको 100 ml पानी ही लेना है। इससे ज़्यादा अगर पानी लिया तो शामी कबाब नरम हो सकते हैं, या आपके कुकर के हिसाब से आप पानी ऐड करें। देखिए ये सब पानी इसमें होना नहीं चाहिए। ये पानी मैंने जला लिया है इसमें कुछ हाई फ्लेम रखकर। और अब मैं इसमें ये, चलिए तो मैं ये पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। पानी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर शामी कबाब छूट सकते हैं और वो टाइट नहीं बनेंगे और मज़ा नहीं आएगा उसका बनाने में। इस कुकर को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है और इसका लीड कवर कर दिया है। एक विसल आने के बाद मैं इसको 20 मिनट स्लो फ्लेम पर रखूँगी। देखिए शामी कबाब का कीमा जो गल रहा है, उस दरमियान मैं आपको उसका जो स्टफिंग मैं करने वाली हूँ शामी कबाब में, वो उसकी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। हरा धनिया लिया है मैंने, मिंट लीव्स लिए हैं, ये एक ग्रीन पेपर ली है मैंने। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसको अवॉइड करें, इसको ना लें आप। हरी मिर्च, एक प्याज ली है, इसको मैं बारीक सा काट लूंगी। इन सभी को मैं बारीक काट के मिक्स कर लूंगी। तो देखिए मैंने ये दो मैं स्टफ करने वाली हूँ। अब इस प्याज के अंदर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। तो मैं ये कुछ थोड़ा मिंट है थोड़ा बचा लूँगी, क्योंकि मुझे एक और तरह के शामी कबाब तैयार करने हैं इसमें से। तो मैं इसमें भी कुछ ऐड करूँगी, 1/2 हरा धनिया, और ये हरी मिर्ची भी मैं इसमें से 1/2 लूंगी।
मिक्स कर लूंगी इन सबको मैं। देखिए ये कीमा गल चुका है, अब इसमें आपको पानी अगर दिखे तो आप उसको जला लें। ये मैंने चॉपर लिया है, अब ये जो ठंडा हो गया है शामी कबाब का जो मिक्स, उसको मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। देखिए शामी कबाब का ये जो मिक्स है इसको पीस लेना है। आप कोई भी ब्लेंडर हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो। इसके साथ ही मैं इसमें दो अंडे ऐड करूंगी। ये दो अंडे ऐड किए हैं मैंने। देखिए ये शामी कबाब पीस चुका है, शामी कबाब का जो मिक्स था। देखिए मैं इस शामी कबाब का जो मैंने पीसा है मिक्सचर, उसको मैं ये बाउल में ले लेती हूँ। देखिए ये शामी कबाब अब मैं बनाने का शुरू करती हूँ, और मैं कुछ शामी कबाब को स्टफ करने वाली हूँ। तो मैं इसलिए इसके छोटे छोटे ऐसे राउंड शेप में, फ्लैट राउंड शेप में, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करने, पतले पतले ही रखने, क्योंकि मैं इसमें बीच में स्टफ करूंगी कुछ ग्रीन पेपर और कुछ चीज़ से, तो वो वैसे भी फाइनली वो ठीक होने ही वाले, ठीक ही बनेंगे। अभी ये देखिए मैं कुछ शामी कबाब चीज भर के बनाने वाली हूँ। ये चीज ली है मैंने श्रेडेड, और ये मैंने आपको बताया था ये मैंने पहले मिक्स किया है, ग्रीन पेपर किया है, प्याज और हरा धनिया और पुदीना, मिंट लीव्स और हरी मिर्च से। ये मैं एक शामी कबाब लूंगी और इसमें मैं ये चीज ऐड करूंगी है शामी कबाब का, वो ऊपर से इसको बाइंड करूंगी, बंद करूंगी, और इस तरह मैं इसको टाइटली प्रेस करके राउंड शेप देकर, ये एक शामी कबाब मैंने बनाया चीज का। तो ये मैंने कुछ नया, मैंने अपनी रेसिपी ये तैयार की है चीज बीच में भर के, और ये बहुत ही मज़ेदार और इतने टेस्टी लगते हैं, आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे चीज़ से भरे हुए शामी कबाब। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं ये शामी कबाब से, चीज़ वाले। तो देखिए ये मैंने चीज़ के शामी कबाब बनाए हैं, अभी इसको मैं शैलो फ्राई भी करूँगी। पहले मैं तीनों तरह के शामी कबाब बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं फ्राई करूँगी। अब मैं ये कुछ हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना और प्याज से भर के बनाने वाली हूँ शामी कबाब। आप बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब, आप यकीन जाने इतने टेस्टी हैं ये
कि बस आप पार्टीज में और इसमें आप मेहमानों के आगे अगर बना के रखेंगे तो आप के मेहमान खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह, ये मैंने एक बनाया है। अब मैं इसमें ये मैं एक स्पून से ये मसाला विश में ऐड करूँगी। ये तो इतने मज़ेदार बनते हैं, इसका जो फुदीने का और जो भी इसके अंदर जो मसाला मैंने लिया है उसका जो खुशबू और जो स्वाद है वो तो इतना टेस्टी फील होता है खाने के बाद कि बस ऐसे शामी कबाब कहीं नहीं खाने को मिलेंगे आपको, ना रेस्टोरेंट में खाने को मिलेंगे ना स्ट्रीट फूड पर। आप देखिए, और ये जो मैं थर्ड स्टाइल के जो बनाने वाली हूँ शामी कबाब, वो है कुछ इस तरह कि मैं ये थोड़ा इसमें से ये मिक्सचर है ये ले लेती हूँ और उसमें ये मैं पुदीना ले लेती हूँ, मिंट लीव्स। ये जो रेगुलर है ये इसे हम ये रेगुलर रेसिपी है शामी कबाब की। और इसमें से मैं कुछ हरा धनिया और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें कुछ स्टफ नहीं करना है, ये सिंपल जो रेगुलर रेसिपी है उसी तरह बस इसको फ्राई पैन में सेक लेने हैं, शैलो फ्राई। अंडा इसमें मिला हुआ है तो बस ऐसे मिक्स करें और इसके राउंड शेप में इसी तरह ये बना लें शामी कबाब। जितने थिक आप पसंद करें, जितनी बड़े बनाने हो आपको, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने बड़े और कितने थिक चाहिए शामी कबाब। और ये इस तरह बना लेने हैं और बस उसको फ्राई कर लेने हैं। और ये अपने रेगुलर वाले हैं जो शामी कबाब मैं अभी तैयार कर रही हूँ। तो ये मैंने तीन तरह के शामी कबाब रेडी किए हैं। ये रेगुलर रेसिपी है शामी कबाब की, जिस तरह रेगुलर सबके घर में बनते हैं। ये मैंने अपना स्टाइल इसमें दिया है, चीज़ भर के शामी कबाब तैयार किए हैं। और ये मैंने ये ग्रीन पेपर, ऑनियन और पुदीना और हरा धनिया भर के इसको स्टफ किया है। ये भी मेरी अपनी स्टाइल है। तो आप देखिए तीनों ट्राई करके और मुझे बताइए भी, और आप भी ज़रूर बनाइए। और देखिए, चलिए अब मैं फ्राई करती हूँ इन तीनों शामी कबाब को। ये फ्राई पैन मैंने रखा है और इसको ये गर्म हो चुका है तो मैं ये ऑयल इसमें ऐड करूँगी। छः से सात टेबलस्पून ऑयल ऐड करें आप। और ये देखिए गरम ही था फ्राई पैन, मैंने ऑयल इसमें ऐड किया तब तो मैं पहले रेगुलर रेसिपी है जो हमारे शामी कबाब की उसी को मैं फ्राई करती हूँ। और ये शामी कबाब जो हमने ऑनियन और
जो स्टफ किया है उसका, तो मैं इसमें जगह है, बड़ा है फ्राई पैन थोड़ा, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि साथ में फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। देखिए एक साइड तो हो चुके हैं, तो मैं इनको फ्लिप करती हूँ, गोल्डन ब्राउन फ्राई करने हैं। देखिए सभी शामी कबाब को मैंने फ्लिप कर दिया है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका। अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो आप ज़्यादा भी इसको फ्राई कर सकते हैं। हम लोग ऐसे गोल्डन ब्राउन पसंद करते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं गोल्डन ब्राउन भी। देखिए इन शामी कबाब हो गए हैं, ये जो पहले मैंने ऐड किए थे, तो मैं उनको ले लेती हूँ इस प्लेट में। ये रेगुलर रेसिपी है शामी कबाब की। और देखिए इन शामी कबाब को भी मैंने ले लिया जो स्टफ किए हुए हैं शामी कबाब थे। और ये मैंने ऑयल ऐड किया है फ्राई पैन में। अब मैं ये शामी कबाब है इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये चीज वाले शामी कबाब है। थोड़ी अगर आपको बीच बीच में कुछ हाई फ्लेम करनी हो तो आप हाई फ्लेम भी कर सकते हैं, हाई टू मीडियम। इस तरह आपको शामी कबाब फ्राई करने हैं। ये देखिए अच्छे से हो रहे हैं और इसकी एक साइड है जो मेरे ख्याल में अब हो चुकी है, तो मैं इन शामी कबाब को मैं फ्लिप करूंगी। ये मैंने अभी हाई फ्लेम रखी है, मैंने मीडियम फ्लेम को ऐड किया था। नहीं अभी मुझे रखना होगा थोड़ी देर और, ताकि एक ही साइड एक ही बार में वो सिक जाए। देखिए ये एक साइड फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें फ्लिप कर देती हूँ। अब ये देखिए ये भी हो चुके हैं और मैं इनको भी प्लेट में ले लेती हूँ। चीज शामी कबाब मजेदार। और ये मैं गैस बंद करती हूँ, चूल्हा बंद कर देती हूँ। और ये देखिए तीन तरह के शामी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए ये मैंने कुछ ये इस तरह स्टफ किया था, इसमें ग्रीन चिली अनियन और हरा धनिया और मिंट लीव्स से, तो ये इस तरह बने हैं। और ये चीज वाले हैं शामी कबाब। और ये देखिए माशाल्लाह, आहा हा, इतने लाजवाब और खूबसूरत बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। बच्चे तो इसको खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे, चीज वाले शामी कबाब। और ये देखिए चीज का शामी कबाब बन के रेडी है। तो देखिए ये चीज के शामी कबाब को हम देखते हैं किस तरह बना है ये। और ये देखिए कितना कितना जबरदस्त बना है, इसका जो टेक्सचर आया है चीज का आप देख सकते हैं। आप जरूर बनाइए, देखिए बच्चों के लिए जरूर बनाइए। और ये देखिए कितना मजेदार बना है। अब मैं इसको इस जो दही की चटनी है इसमें मैं डिप करके इसको मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत जबरदस्त बना है, बस आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे ये रेसिपी, चीज से भरी हुई। चीज शामी कबाब।
तो देखिए ये शामी कबाब प्लेटर मैंने बनाया है। तीन तरह के शामी कबाब मैंने इसमें रखे हैं और इस तरह प्लेटर बनाया है। आप भी इस तरह पार्टीज में या आपके घर पे, अगर आपके घर में दावत हो किसी की या पार्टी हो, तो आप इस तरह का प्लेटर बनाकर रख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार लगता है और मेहमान खुश हो जाते हैं इसे खाकर। आप ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर लेकर आऊंगी एक नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।